उन्हों तो खुला बोल को गए, मैं लेवल के लोगों से बात करने वाला इंसान हूँ, को पूरे आवाम के बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर खुले आम गाली देते हैं तो इनको कहीं नहीं अरेस्ट करते। ये मुझे ऐसा लगता कि उनके दिमाग का क्या तो इलाज वगैरह करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता। छत्रपति शिवाजी महाराज के तुम्हें पैर के जूती के धूल के बराबर भी नहीं है, उन्हों क्या है उनका इतिहास अभी तुम्हें पढ़े नहीं। राजा सिंह के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी है, तुम्हें एक बार अभी तक शायद हैदराबाद नहीं गए रहेंगे। कहने तो हमने भी आता, मैं भी कह सकता हूँ बीजापुर के हराम खोर यतनाड़ पाटिल हैं कर को, मैं अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े हॉस्पिटल को दिखला को तुम्हारा इलाज कराने की जवाब मैं देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि बरकातहु, नमस्ते। मैं AIMIM पार्टी का यूथ लीडर जुबैर दफेदार, जो 3-4 दिन पीछे 4 मार्च 2024 को जो बीजापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाया गया, उस मौके पर हैदराबाद गोशा महल का MLA राजा सिंह बीजापुर आया था। उस मौके पर जो हमारे बीजापुर के नेता हैं, BJP के MLA हैं, बसनगौड़ा यतनाड़ पाटिल, इन्हों अशब्द शब्दों का फिर से एक बार जो मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ फिर से उन्होंने जहरीली जबान से जहर उंगलें, इनको मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बीजापुर सिटी MLA आप हैं तो आप डेवलपमेंट का काम करना, हैदराबाद का हराम खोर कर को तुम्हें बोला है। कहने तो हमने भी आता, मैं भी कह सकता हूँ बीजापुर के हराम खोर यतनाड़ पाटिल हैं कर को, मगर मैं कहना नहीं चाहता, कहने तो हमने भी आता। और दूसरी बात इन्हों बोले हैं ओएसी के बड़े बू राजा सिंह हैं कर को, जो बीजापुर सिटी MLA बसनगौड़ा यतनाड़ पाटिल बोले हैं, ओएसी के बड़े बू राजा सिंह नहीं हैं, राजा सिंह के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी हैं, तुम्हें एक बार अभी तक शायद हैदराबाद नहीं गए रहेंगे, तुम्हें एक बार हैदराबाद को जाओ, वहाँ का नज़ारा तुम्हें देख को आओ, वहाँ के भाईजान सिर्फ और सिर्फ नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भाईजान हैं, बड़े बू वो क्या भी नहीं है। ये सब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा मुझे मालूम नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है बीजापुर सिटी MLA रहे बट डेवलपमेंट करने का छोड़ को क्या है, तुम्हें जहरीली अशब्द शब्दों का खाली इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो और एक बात इन्हों बोले, उसी मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर कोई दूसरा रूप हूँ है तो वो मैं हूँ करके बोले उन्होंने अपने आप को बसनगौड़ा यतनाड़ पाटिल। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के तुम्हें पैर के जूती के धूल के बराबर भी नहीं है, उन्होंने क्या है उनका इतिहास अभी तुम्हें पढ़े नहीं, उनको तुम्हें समझने के अवस्तर ये उनको समझने के अवस्तर तो अकलमंद समझ सकता हूँ, उनको तुम्हारे सर का इंसान नहीं समझ सकता, मुझे तो ऐसा लग रहा। और तीसरी बात क्या बोले, वो केस जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ कर को जो बोले थे, इस बारे में भी हर बार उन्होंने हर एक अपने फंक्शन में क्या है बोलते रहते हैं 15 मिनट हटे तो सभी हिंदुओं को ख़त्म कर देता हूँ कर को, ऐसा नहीं बोले उन्होंने, ये जहरीली जबान से तुम्हें बोल को हमारे हिंदू भाया में और हमारे दलित भाया में और मुसलमान भाया में आपस में तुम्हें आग लगाने का काम अगर कर रहे हैं तो यतनाड़ पाटिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोले उन्होंने। हैदराबाद के निजाम इनको भी इन्हों अशब्द शब्दों का इस्तेमाल करें, ये अक्सर इनका गलत है। जो निजाम के अब्बू टी राजा सिंह हैं और आदिल शाह के अब्बू बसनगौड़ा यतनाड़ पाटिल हैं अगर को जो तो तुम्हें बोल रहे हैं, वैसा रहा तो बीजापुर में बहुत से मोनूमेंट्स हैं, गोल गुम्बज है जो हिंदुस्तान में मशहूर है, और जो हमारा अली रोज़ा है, इब्राहिम रोज़ा है, बारा कमान है, ऐसे बहुत से मोनूमेंट्स हैं, ये सब फ्री करना तुम्हें जो, क्योंकि तुम्हें बीजापुर के एक नेता हैं, तुम्हें बीजापुर के MLA हैं तो तुम्हें फ्री करना, जब तुम्हें आदिल शाह के अबू हैं बोले तो तुमने तो हर चीज़ फ्री रखना, तुम्हें वो फ्री रखना छोड़ को वो लोग जो आ को देख को जो टिकट देख को जाते हैं वो टिकट खाने वाले तुम्हें हैं, जो आदिल शाह के अबू बसनगौड़ा यतनाड़ पाटिल हैं घर को बोल रहे हैं तुम्हें, ये ज़माने में आए क्या वो ज़माने में आए अभी तक समझा नहीं मुझे, ये मुझे ऐसा लगता कि उनके दिमाग का क्या तो इलाज वगैरह करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता।
हर बार क्या है उन्होंने छोड़ पकड़ जबानी से प्रेस मीट पब्लिक मीटिंग वो ये करते रहते हैं, तो उनके दिमाग का थोड़ा ठीक नहीं रहेगा क्या, तो इलाज करने का रहेगा। वैसा रहा तो मैं यतनाड़ पाटिल साहब को ये जबान दे रहा हूँ, अगर वैसी तुम्हारी कौन सी भी दिमाग की वो प्रॉब्लम रही तो तुम्हें मुझे रिटर्न प्रेस मीटिंग कर को, मेरा नाम जुबैर दफेदार है, मेरा नाम ले को तुम्हें प्रेस मीट कर सकते हैं, कर को क्या है मुझे ऐसी ऐसी तबीयत खराब है कर को बोल सकते हैं, अगर बोलते रहे तो बोलो मैं अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े हॉस्पिटल को दिखला को तुम्हारा इलाज कराने की जबान मैं देता हूँ। और एक बात, जो मुफ्ती सलमान अजरी साहब एक शेर बोलने के बाद जो है एक शेर के बाद उनको अरेस्ट करे थे, जो हमारे बीजापुर के MLA बसनगौड़ा यतनाड़ पाटिल पूरे आवाम के बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर खुले आम गाली देते हैं, तो इनको कहीं नहीं अरेस्ट करते। जितना कानून सलमान मुफ्ती साहब के स्तर है उतना ही बीजापुर MLA बसनगौड़ा यतनाड़ साहब के स्तर भी है। दूसरी बात, हर बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को अशब्द शब्दों का जो इस्तेमाल इन्हों करते हैं, इन्हों समझते हैं यतनाड़ पाटिल साहब मैं ओवैसी और ना ऐनारे अंदिद्रे नंद रिप्लाई और कोड़ता न्यू तिलकुंदी रे साहेब्र उन्हों तो खुलाज बोल को गए, मैं लेवल के लोगों से बात करने वाला इंसान हूँ घर को, तुम्हारे सरकार को हमारे मजलिस के मेरे सर के कार्यकर्ता काफ़ी हैं जवाब देने के वास्ते। और मैं इतना बोल के मेरी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय भीम, जय भीम, सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं जुबैर दफेदार, AIMIM पार्टी का यूथ लीडर। ऐसे ही खबर देखने के लिए UTV न्यूज एक्सप्रेस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।